दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल टेक्निक ऑफ इलेक्ट्रिकल। आज का टॉपिक है फाइंड आउट मशीन आरपीएम। हम मशीन के आरपीएम को कैसे निकालें? बस 1 मिनट में हम मशीन के आरपीएम निकाल सकते हैं। इससे पहले, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो पहले सब्सक्राइब करें। तो बात करते हैं आज के टॉपिक मशीन के आरपीएम। तो मशीन के आरपीएम निकालने का हमारा जो फॉर्मूला है, मशीन आरपीएम इज इक्वल टू मोटर आरपीएम इनटू मोटर पुली डिवाइड बाय मशीन पुली। अब हम मोटर के आरपीएम मान लेते हैं 1400। मोटर की पुली है हमारी 4 इंच की, डिवाइड करेंगे मशीन पुली। हम इसको मोटर के आरपीएम चौदह सौ मोटर पुली 4 इंच मशीन पुली 6 इंच, तो यहाँ हम 6 इंच लगाएंगे। देखेंगे हमारी मशीन के क्या आरपीएम है। हमने 1400 इंटू 4 डिवाइड बाय 6, हमारी मशीन के जो आरपीएम आ गए वो 933.33। ये हमारे मशीन आरपीएम। क्लियर दोस्तों, हमने ये 6 इंच की पुली ले रखी थी, अब हम इसको 8 कर देते हैं। आठ करने पर हमारे क्या आरपीएम होंगे देखते हैं। 1400 इंटू 4 डिवाइड बाय 8, तो हमारे मशीन के आरपीएम हो गए 700 आरपीएम। इस तरह से ही हम मोटर के आरपीएम अगर हमने निकालने, हमारे पास में मोटर पुली और मशीन पुली और मशीन के आरपीएम हैं, तो हम मोटर के आरपीएम निकाल सकते हैं। जैसे हमने मशीन की पुली निकालनी है, हमारे पास में मशीन के आरपीएम हैं, तो उसके लिए हम मशीन पुली इज इक्वल टू मोटर आरपीएम इनटू मोटर पुली डिवाइड बाय कर देंगे हम मशीन आरपीएम। इससे हमारे मशीन की पुली का साइज आ जाएगा। ये हमारा फॉर्मूला है, मशीन आरपीएम इज इक्वल टू मोटर आरपीएम इनटू मोटर पुली डिवाइड बाय
मशीन पुली। हमारे पास में इन में से एक है तो हम चौथा निकाल सकते हैं। जैसे हमें मोटर के आरपीएम निकालने हैं तो मोटर आरपीएम इजुगल टू, ये हमारा मशीन आरपीएम इनटू मशीन पुली डिवाइड। मशीन आरपीएम निकालने के लिए हम मोटर पुली से इससे हमारे मोटर के आरपीएम निकल आएंगे। अगर हमें मोटर की पुली निकालनी है तो मोटर पुली इज इक्वल टू मशीन आरपीएम इनटू मशीन पुली डिवाइड। हमने मोटर की पुली निकालनी थी और हम ये डिवाइड करेंगे इसको मोटर आरपीएम से। क्लियर दोस्तों? हम बस 1 मिनट में मोटर के आरपीएम या मोटर की पुली या मशीन आरपीएम बस 1 मिनट में निकाल सकते हैं। क्लियर दोस्तों? अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक, और हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसको सब्सक्राइब करें। और आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। थैंक यू।